दो राज्यों के बीच में चालान चालान चल रहा है, दोनों राज्यों की पुलिस जो है चालान चालान खेल रही है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब एक महिला कांस्टेबल जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये राजस्थान रोडवेज में सफ़र कर रही थी और ये कांस्टेबल है हरियाणा की, इनका टिकट काट दिया राजस्थान रोडवेज ने। तो इसको लेकर दोनों राज्य की जो पुलिस है उन्होंने एक दूसरे राज्य की रोडवेज बसों के चालान काटना शुरू कर दिया। सबसे पहले हरियाणा की पुलिस ने राजस्थान सरकार की रोडवेज बसों के चालान काट दिए लगभग 100 के आसपास। तो वहीं आज राजस्थान पुलिस ने भी हरियाणा रोडवेज के चालान काटे। देखिए कि किस तरीके से दोनों एक दूसरे आके चल रहे हैं। सबसे पहले ये वीडियो सुनिए उन महिला कांस्टेबल का जो रोडवेज बस में सफर कर रही थी, उसके बाद विवाद शुरू हुआ। देखिएगा ले चल नहीं वाले चल ना यात्रा करने तो कह देना वो हमारी नहीं करती है। ठीक है लाओ 50 रुपए दो, धारवाड़ा जाना है। हाँ लाओ 50 रुपए दो। नहीं मिलते, नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? यात्रा करनी है तो लगेंगे। आ जाओ उतर लो। उतर लो। नहीं उतरना भाई। हाँ उतर लो। यात्रा करनी है तो किराए दो, वरना यात्रा करनी है। क्या करना है? यात्रा करनी है। यात्रा करनी है। 50 रुपए दो। नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जबरदस्ती है? नहीं नहीं। क्यों चलेगा? स्टाफ चलता है। नहीं 50 रुपए, 50 रुपए लगेंगे। नहीं लगते। लाओ। नहीं लगेंगे। यात्रा करोगे तो लगेंगे। यात्रा करेंगे तो लगेंगे। कोई नहीं दे दो क्या? अरे भाई हरियाणा में चलते। मैं क्या कह रहा हूँ, कैसे चलेगा? हरियाणा में चलती है तो हरियाणा में चलती है ना, तो हरियाणा जब आएगा नहीं इसको तो मैं बात कर लूंगी। भाई साहब डिपार्टमेंट वाले नहीं करते, नियत खराब होती है। कोई बात नहीं, नियत लाओ जल्दी दो भाई। जब तेरे डॉक्टर आएगा मैं बात करूंगी। उतर लो या तो उतर लो, या यात्रा करनी है तो किराया दो। नहीं भाई यात्रा करनी है तो किराया देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा। जबरदस्ती नहीं दिया जाता भाई। ना ना कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। और लेडीज जा रही है? ना कोई जबरदस्ती नहीं है। यात्रा करनी है किराया देना पड़ेगा। खड़ी रख ले चल नहीं वाले चल। ना यात्रा करनी। तो उसके बाद ये विवाद शुरू हुआ, इनका एक 50 रुपए का टिकट भारी पड़ गया। दोनों राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था पर और सरकार पर प्रश्न चिन्ह लग गया। दोनों राज्य एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो गए। ये जाहिर भी करता है कि दोनों एक दूसरे की जो प्रशासन है वो अभी सरकार की कितनी मान रहा है, इससे भी पता चल रहा है। क्योंकि बात तो सरकार पर आएगी, दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है और दोनों ही राज्य की पुलिस लगता है सरकार की नहीं सुनती या फिर प्रशासन नहीं सुनता। निगम, तभी तो निगम की जो बसें हैं उनका चालान पुलिस डिपार्टमेंट कर रहा है। वो भी एक इस विवाद के लिए, विवाद छोटा सा था, निपटाया जा सकता था, कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता था कि आगामी स्टाफ अगर हरियाणा में चलता तो वही यहाँ पर भी चलाया जा सकता था, इनके बीच का मामला था। लेकिन इन्होंने ये इसे बड़ा एक युद्ध की तरह बना दिया। दोनों के ने इन्होंने एक ईगो मान लिया है, ईगो हर्ट कह सकते हैं अपन, एक दूसरे की पुलिस का या फिर एक दूसरे की हरियाणा रोडवेज बसों का भी मान ले या फिर राजस्थान रोडवेज बसों का भी मान ले। अब तक 100 के आसपास, 100 से ज़्यादा हरियाणा पुलिस ने राजस्थान रोडवेज के चालान कर दिए। तो वहीं आज 25 से 30 के आसपास राजस्थान पुलिस ने भी हरियाणा रोडवेज के चालान कर दिए। ठीक है, तो ये बात ये राजस्थान वाले कर रहे हैं स्क्रीन पर। ठीक है, ये चालान एक दूसरे के हो रहे हैं, इस तरीके से चालान हो रहे हैं। देखिएगा हरियाणा पुलिस और राजस्थान पुलिस एक दूसरे के राज्य की रोडवेज बसों के चालान कर रहे हैं। आपने वीडियो देखा होगा, ये भी देखा होगा। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है एक सही सरकार के चलन में ये सब होना चाहिए था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रशासन लग रहा है कि प्रशासन सरकार की नहीं मान रहा, इससे तो यहीं जाहिर होता। आप इसे किस लेवल से लेंगे बताइएगा ज़रूर, और आगे क्या होने वाला है? क्या ये खेल चलता रहेगा, चालान चालान का खेल? चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।